बारिश की वो पहली बूंद और मिट्टी की वो जो सौंधी खुशबू हर किसी के मन को मोह लेती है। वहीं जब हम कुल्हड़ में चाय या दूध पीते हैं तो जो स्वाद है वो अलग ही बनता है। ये है मिट्टी की खासियत। लेकिन साथियों, कुछ लोगों को, बच्चे तो बच्चे बड़े भी, उनका मन होता है कि वो मिट्टी को खा लें। कुछ पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं मैम हम इतने बड़े हो गए तब भी हमारा मन होता है हम सकोरा वगैरह जो कुल्हड़ है उसको गीला गीला खा लेंगे या थोड़ा सा मिट्टी को फाँक लेंगे। मन होता है गीली मिट्टी का, अंदर से इच्छा होती है। और अक्सर बच्चों को तो हम डांटते ही रहते हैं, जिसको भी देखेंगे कि मिट्टी खा रहा होता है तो अक्सर डांट या पिटाई उनकी हो जाती है कि सबको पता है कि मिट्टी नहीं खानी चाहिए, मिट्टी खाएंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, पेट में कीड़े हो जाएंगे। तो ऐसा क्या है, क्यों ऐसे अंदर से इच्छा होती है मिट्टी खाने की? प्रस्तुत वीडियो में चर्चा होगी इन्हीं सब बातों की। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं वो क्या है कारण और कैसे पाएंगे इन सबसे छुटकारा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर ऋचा वार्ष्णेय, संभव नेचर क्योर हॉस्पिटल लखनऊ से स्वागत करती हूं आप सभी का घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम में। साथियों, अक्सर हम लोगों ने अपने घर और परिवार के बच्चों को दीवार चाटते हुए या मिट्टी खाते हुए देखा होगा। स्कूल भी गए तो चौक चाट ली, खड़िया चाट ली। एक्यूपेशन का मानना है कि इन सब का जो कारण है वो है स्प्लीन की डेफिशिएंसी। बड़ा हो या छोटा बच्चा, जब किसी को स्प्लीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसका मन होगा कि वो मिट्टी या खड़िया को खाए। एक्यूपेशन थेरेपी में बहुत अच्छा पॉइंट है इस आदत को छुड़ाने का, क्योंकि जो डेफिशिएंसी है यदि हम उसको ठीक कर लेंगे तो बट नेचुरल है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये आदत पड़ गई थी या मन हो रहा था मिट्टी खाने का तो वो आदत छूट जाएगी। आइए देखते हैं वो पॉइंट कौन से हैं। वो पॉइंट हमारे हाथों में है, यिन साइड और यांग साइड। आइए देखते हैं वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं। आएंगे मिडल फिंगर। मिडल फिंगर में बिल्कुल मिडल में ही है पॉइंट। यदि हम यहाँ लाइन सीधी खींचे और एक सीधी लाइन ऐसे तिरछी खींचे तो जो बीच में ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है SP3 जॉइंट। जॉइंट से स्लाइटली नीचे बिल्कुल बीचों बीच इस पॉइंट का नाम है SP6। मिडिल फिंगर रिंग फिंगर के बीच में यदि हम सीधी लाइन खींचे जहाँ पर भी हमारी प्रोब रुक जाएगी है ना, वहाँ पर इस पॉइंट का नाम है CV12। एक तरीका यह है कि जहाँ पे भी हमने इस तरीके से पामर साइड पे मोड़ा अपनी रिंग फिंगर को तो जहाँ पर टच कर रही है वो है CV12। आएंगे यांग साइड। मिडिल फिंगर मिडिल जॉइंट, मिडिल जॉइंट से स्लाइटली नीचे की तरफ टुवर्ड्स थंब ये पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम है स्टमक 36। दो पॉइंट और है, एक्चुअली मैंने तीन मार्क की हैं आपको समझाने के लिए। यदि हम इस तरीके से मिडिल फिंगर रिंग फिंगर के बीच में अपनी इंडेक्स फिंगर और ये चारों उंगलियों को इस तरीके से रख दें, इस तरीके से हमने रख दिया बिल्कुल बेस से, तो जहां हमारी स्मॉल फिंगर की टिप टच कर रही है इसके जस्ट आगे है UB23। एक्चुअली हमें UB20 और UB21 को ढूंढना है। तो तरीका यही है कि हमने सिंपल ऐसे किया, जहाँ पे हमारी ये टिप स्मॉल फिंगर की टच की उसके जस्ट आगे है 23, एक छोड़ देंगे है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 21 और जस्ट इसके आगे है 20, UB21 और UB20। तो टोटल हो गए हमारे पास में 6 पॉइंट्स, 3 यिन साइड और 3 यांग साइड। हमें यहाँ पर लेना होगा पेपर टेप
और टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट्स। जो टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, ये एक तरफ से वाइट दूसरी तरफ से ये येलो होते हैं। पेपर टेप में हमें लगाना है एक टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट। अब देखिए किस तरीके से लगेगा, जो स्किन को टच होगा वो इसका येलो कलर, और लगने के बाद जो बाहर से हमें दिखाई देगा वो इसका वाइट कलर। एक्चुअली हमें सारे पॉइंट्स को टोन करना है, तो सारे ही पॉइंट्स पर एक एक करके इस तरीके से टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट को लगा लेंगे। जैसे इस पॉइंट पे लगाया, बिल्कुल ऐसे ही इस पॉइंट पर, इस पे, फिर पीछे की तरफ। तो बाइलेटरल है पॉइंट, लेफ्ट में भी और राइट हैंड साइड में भी आपको लगाना है। 8 घंटा 12 घंटा ये पॉइंट्स लग सकते हैं, डेली लगेंगे, क्योंकि स्क्रीन की डेफिशिएंसी है। धीरे धीरे जैसे डेफिशिएंसी ठीक होगी वैसे ही ऑटोमेटिकली फिर मन नहीं होगा मिट्टी खाने का, चाहे बड़ा हो या बच्चा, इस ट्रीटमेंट को कोई भी कर सकता है। अच्छा है कि रोज़ रात में लगा कर रखें इन मैग्नेट्स को, जब सुबह आप उठेंगे तो सारे मैग्नेट्स को आपस में जोड़ कर रख लीजिएगा, पेपर टेप को फेंक दीजिएगा, मैग्नेट सारे आपस में जुड़ कर एक दूसरे को चार्ज कर देते हैं, ये फिर से तैयार है आपके ट्रीटमेंट के लिए। मैग्नेट कभी भी एक्सपायरी नहीं होते हैं। साथियों एक चीज़ का ध्यान और कि मैग्नेट्स आपके पर्सनल हैं, यानी आप अपने मैग्नेट्स अपने शरीर में कहीं भी लगा सकते हैं, किसी और के यूज्ड मैग्नेट्स ना तो आप अपने लगाएंगे ना अपने यूज्ड मैग्नेट्स किसी और को देंगे। जिस किसी को भी आवश्यकता है इन टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट और पेपर टेप की, वो जो नीचे वेबसाइट की लिंक है www.sambhavkyo.com, यहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल हैं, आप यहाँ से मंगा सकते हैं। साथियों आप भी ग्रसित हैं किसी परेशानी से और समाधान चाहते हैं एक्यूपेशनल थेरेपी से, तो आप नीचे हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपके टॉपिक पर भी वीडियो बन जाएगी। जनहित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आपकी वजह से बहुत लोगों की हेल्प हो सके। साथियों ये चिकित्सा पद्धति बहुत सरल है, यदि आपका भी मन है इस चिकित्सा पद्धति को सीखने का तब भी आप नीचे हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम कॉरेस्पोंडेंस के जरिए सिखाते हैं, आपको भी ज़रूर सिखा देंगे। साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और नई बात के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।